सर, मेरा नाम ललित है, बलान के रहने वाले हैं और हम बंधुआ मजदूरी पंजाब से लोग लेके पैसे आते हैं तो यहाँ से मतलब लेबर करते हैं। ट्रक लेके आए तो ट्रक में हमको पंजाब लिवा गए, पंजाब में सारा दिन काम किया और पैसा हमारे 400 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, तो उसमें बच्चे लगे रहे, हम लोग लगे रहे, 1000 ईंट मुश्किल से निकल पाती है सारा दिन। अब मान लो कि 12 के 12 ही घंटा करना पड़े, कहो 24 भी घंटा करना पड़े, काम के ऊपर है। अब तो हमारे काम क्या करना, काम सब यह है कि मिट्टी भिजाओ, मिट्टी को बना के पलटी करो, उसका गारा बनाओ, फिर इसके बाद संचल लेके उसको ईंट निकालो, ईंट निकालने के बाद में फिर उसका चट्टा खड़ा करो, तामा बनाओ, तामा बनाने के बाद में फिर उस जब सूखेगी तब वो भट्ठा जाएगी, फिर कहो अगर पानी गिर जाए, बारिश हो जाए तो वो भी ईंट खराब हो गई तो उसको फिर निकाल के बनाना पड़ेगा। ऐसे अब यहाँ पंजाब तो हम अभी जाते थे, फिर बंद कर दिया। अब यह है कि यहीं मजदूरी अपना गेहूँ काटा और जो दिहाड़ी मिली यार 200-300 रुपये। अनुभव क्या है सर, यहाँ कोई नौकरी यूपी में है नहीं है, तो जब बंधुआ तो मजदूर कहीं पेट चलाने के लिए तो पंजाब भी जाएंगे। अब 200-250 रुपये प्रति आदमी को तो मिलता ही मिलता है। अब 1000 ईंटे में 500 रुपये मिलते हैं, उसमें बच्चे भी मारो और घर वाली भी मारे, 12-13 घंटे में कितना होता है, बहुत ज़्यादा 80-90 रुपये प्रति आदमी को पड़ता है। पैसे का लेन देन ये है सर कि ऐसा है कि अब हिसाब किताब हुआ तो ये है कि 2-4-10 रोज बैठाए रखते हैं, आज नहीं कल होगा हिसाब। यहाँ चाहे साला घर घर गिर जाए या कोई माँ बाप मर जाए तब कमाए धमाए 4 पैसे अगर बचता है तो किसी टाइम में देगा तो लेके ही जाएगा वो, अगर नहीं बचता है तो उसे वहीं रखेगा वो, उसे मजदूरी करवाएगा जब तक उसका पैसे नहीं अदा हो जाएगा। बस ये भट्टी है, जब यहाँ काम ही नहीं है तो अब जाएगा तो भाई गरीब। मेरा नाम राजा भैया है और मैं विद्याधाम समिति एक सामाजिक संस्था है, उस संस्था में काम करता हूँ। यहाँ लोगों की आजीविका का आधार या तो कृषि है या मजदूरी है, पर क्लाइमेट चेंज होने के कारण कृषि पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और मजदूरी मिलती नहीं है, इसलिए बड़े पैमाने में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और जो लोग बाहर पलायन कर गए हैं वो ये भट्टों में जा करके बंधुआ हुए हैं, और तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े काश्तकार हैं जिनके पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं, उन बड़े काश्तकारों के यहाँ बंधुआ हो गए हैं। सरकार के रिकॉर्ड में आज भी बुंदेलखंड के किसी भी जनपद में कोई भी बंधुआ नहीं है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए, मैं अकेले बांदा जनपद के बिसंडा और नरैनी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जिन गाँव में हम गए हैं, उन गाँव में बिसंडा ब्लॉक के 25 गाँव में लगभग 144 परिवार बांडेड हैं, और नरैनी ब्लॉक के इसी तरह से 45 गांव के 178 परिवार बंधुआ हैं। वो बंधुआ इस प्रकार से होते हैं कि जब उनके पास में मजदूरी का कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो बाहर ईंट भट्टों में काम के लिए जाते हैं, और ईंट भट्टों से जो बाहर का ठेकेदार है वो स्थानीय व्यक्ति को पकड़ करके और उनको पैसा दे करके और एक ट्रक में भेजता है, और वो जा करके गाँव में ट्रक लगाते हैं, और जिस तरह से पहले लोग जानवर खरीदा करते थे उस तरह से बोली लगती है, और गांव में जाकर के किसी परिवार को 10,000 में, किसी को 15,000 में, किसी को 25,000 में खरीदा जाता है, और उनको ट्रक में भर करके ईंट भट्टों में ले जाया जाता है, और उनको ईंट भट्टों में वहां डाल दिया जाता है, और वो 15,000 और 25,000 में तब तक बांडेड रहते हैं जब तक उनका पूरा काम नहीं हो जाता है। और ईंट भट्टों में स्थितियाँ ये हैं कि पूरा परिवार का परिवार जाता है और 1,000 ईंटा पाथने का उनको मात्र 400 रुपया मिलता है, और 1,000 ईंटा निकालने के लिए परिवार के 4-5 सदस्यों को लगभग 14 घंटे काम करना पड़ता है। उस एवरेज में अगर मजदूरी जोड़ी जाए तो किसी की 50 रुपया से ज़्यादा की कोई मजदूरी नहीं मिल पाती है। तो ये और यहाँ का नौजवान 25 साल की 28 साल की उम्र का नौजवान वो बूढ़ा लगता है, 2-4 बार जाता है, इसके बाद में उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, और असमय ही ऐसे लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है इस पूरे बुंदेलखंड में। अभी भी क्या कहते हैं, 2-4 घर छोड़ करके पूरे पुरों में ताला लगा हुआ है। ट्रक वो ईंट भट्टा मालिक यहाँ पर जो एक माध्यम होता है, यहीं के लोग जो है जमादार जिसको जिम्मेदार कहते हैं, वो जो है वहाँ से
पैसा लाता है, और वही जो है लेबरों को 10 गांवों के लेबरों को बांट करके हर गांव में जा जा कर ट्रकों में भरवा करके, जैसे आपका जो है भूसा या कोई मिट्टी या कोई गल्ला साँट करके ले जाता है। एक परिवार था, वो अपने सभी बच्चों को, 4-6 बच्चियाँ थी, और लेकर के गए। वहीं पर जो है तो क्या कहते हैं छेड़खानी हुई, और उस लड़की को जो है लापता है, भगा के ले गए, आज तक उसका पता नहीं। हाँ, घटना मतलब आए दिन आती रहती है, किसी को जो है जला दिया जाता है, किसी को घायल कर दिया जाता है, किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानियाँ होती हैं, सब तरह की घटनाएं होती हैं। जमादार जो उन्हें तो खर्चा भरे का, किराया भाड़ा भरे का दिए थे, बस वह सीधा किसान का। हाँ, कहाँ लिहिन नहीं ना लिहिन, कहाँ वहीं दिया भट्ठन में। आए अब ना वहीं दिया, दशहरा लगे जुलाई लगे, जब हिसाब होगा ईंटा जितना भी ईंटा जो पाथा हुए, जब हिसाब होगा तब पैसा देंगे। सर हमको मिलते हैं 1000 ईंट के 400 रुपये मिलते हैं, उसमें सारे पूरे परिवार के लोग रहेंगे। 1000 ईंट में 16 घंटा लग जाता है निकालने, पर व्यक्ति को मान लो 50 रुपये मजदूरी पड़ती है एक आदमी। 16 घंटा कोई बीमार पड़ गया तो मालिक का मन होगा तो पैसा देगा, नहीं मन है तो कोई पैसा नहीं देगा, धमका के भगा देगा ऑफिस। सरकार झूठे वादे करती है और बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं, वो भी झूठा है। और कभी सरकार जो है इस पर जो है सक्षम नहीं है, और न सरकार कभी इनकी देख रेख करती है। गरीब आदमी चाहे मरे, चाहे भूखों मरे, चाहे क्या कहते हैं जो कुछ हो, उनको कोई परवाह नहीं। अब जैसे कोई नेता यहाँ आया, अब हम गरीब आदमी उससे कुछ कहा, हाँ ये काम हो जाए भाई, उनका जब नेता लोग आते हैं यहाँ गरीबों के लिए तो अपने के लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं आते हैं। अब उन्हें गरीब लोग नेता बना दिया, हाँ होगा ये काम होगा, तो अब जहाँ हो गए तो यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता कि कौन आया था कौन नहीं आया, यहाँ चाहे जनता मर जाए।